हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपका स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु बुल्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में होने वाला वीवो प्रो कबड्डी का 68 मैच के बारे में। टाइमिंग की बात किया जाए तो अभी भी ये मैच स्टार्ट होने में 10.5 घंटा बचे हैं और ये जो मैच है 68 मैच है। तो भाई यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं 5 ग्रैंड लीग टीम बना के रख चुका हूँ। अभी आपको मैं 6th ग्रैंड लीग टीम बना के दिखाऊंगा। लेकिन 6th ग्रैंड लीग टीम बनाने से पहले भाई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम की ओर से। तो पहला बात है बेंगलुरु बुल्स की, हम देख लेते हैं। बेंगलुरु बुल्स की बात किया जाए भाई, अभी तक इस सीजन में 11 मैच खेले, इसमें 6 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं और 1 मैच टाई हुआ और 3rd पोजीशन पे है भाई यहाँ पर। और भाई हरियाणा स्टीलर्स की बात किया जाए तो लास्ट यहाँ पर अभी तक 11 मैच ये भी खेले, 4 मैच जीते हैं, 5 मैच हार गए, 2 मैच टाई हुआ और ये 11वां पोजीशन पे। इसका मतलब है 3rd पोजीशन वर्सेस 11th पोजीशन के बीच में मैच खेला जाएंगे। अगर बेंगलुरु बुल्स की बात किया जाए तो गुजरात के खिलाफ जो लास्ट मैच थे भाई 2 पॉइंट से हार गया था। और भाई यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स की बात किया जाए तो जो लास्ट मैच खेला भाई पटना के खिलाफ, यहाँ पर 9 पॉइंट से हार गया था। तो लगभग यहाँ पर दोनों टीम लास्ट मैचेस हार के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मैं बताने वाला, कौन कौन सा प्लेयर को लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो छठा ग्रैंड के लिए आप तैयार रह जाइए। पहला बात है सौरभ नंदल को यहाँ पर मैं अपनी टीम में जरूर रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको ऑलराउंडर सेक्शन की बात किया जाए तो आप यहाँ पर नरवाल को ले लीजिएगा, नीरज नरवाल। उसके बाद भरत यहाँ पर जरूर रहेंगे, मितु महिंदर लास्ट मैच में फ्लॉप रहे लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, भूल मत जाना। उसके बाद भाई यहाँ पर मंजीत को यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 प्लेयर्स को पिक कर चुके हैं भाई, अभी भी 2 प्लेयर्स को पिक करना, लेकिन ये 2 प्लेयर्स को पिक करने से पहले यहाँ पर दोनों टीम की जो लास्ट मैच की स्कोर कार्ड है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नया प्लेयर लास्ट मैच में आके अच्छा खेल दे ये भी जान जाएंगे तो हमारे यहाँ पर डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये दोनों अपडेट्स हम लोग को यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। एक बार जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। अगर तब भी लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाके @शत्रुघ्न225 जाके सर्च कीजिएगा, इस प्रकार सर्च कर लेते हो तो आपको मेरे चैनल शो हो जाएगा भाई। यहाँ पर एक नहीं 2-2 यूजर्स मेरे नाम पे फेक चैनल क्रिएट किए, इससे आप दूर रहिएगा। इससे आप कितना दूर रहेंगे भाई, आपको उतना फ़ायदा रहने वाले। तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता तो ये प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आप आ जाना भाई, यहीं पर आपको सारा कॉन्टेक्स्ट मैं दिखाऊंगा। तो कल जो मैच हुआ था दिल्ली वर्सेस तेलुगु टाइटंस के, तो यहाँ पर हमारे यूजर्स ने काफ़ी अच्छा विनिंग किया भाई, 1500 रुपया। तो यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी टीम से यहाँ पर स्मॉल लीग पे बहुत अच्छा रैंकिंग है भाई। यहाँ पर ग्रैंड लीग भी हमने अच्छा विन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर ग्रैंड लीग भी आपको विनिंग रैंक वन चाहिए तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, ये 8 नवंबर का अपडेट देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे यूजर ने आप देख सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पे यहाँ पर 190 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर हमारी जो विनिंग रैंक वन रहा भाई और 950 थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो 190 कहाँ, 1300 रुपया कहाँ भाई, ये पहला आप देख लीजिएगा। उसके बाद भाई यहाँ पर हमारी जो टीम है यहाँ पर 3rd रैंक पर आए, यहाँ पर आप देख सकते हो 8000+ स्पॉट्स पर, यहाँ पर लगभग 8500 के स्पॉट पर। और यहाँ पर स्मॉल लीग हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा विन किया कल, और यहाँ पर स्मॉल लीग 10 के 10 मैचेस में हम लोग यहाँ पर विन करके चला गए भाई यहाँ पर। तो बस आपको भी जीतना है तो बस टेलीग्राम चैनल पे आ जाना भाई, आपको मैं जितवाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर 2500 लगभग स्पॉट्स पे यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर हमारे जो टीम है 20th रैंक है भाई यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको ग्रैंड लीग दिखाना तो चलिए पहले ग्रैंड लीग दिखा देता हूँ, क्योंकि ग्रैंड लीग पे कल हमारे जितने भी लॉसेस थे सारे लॉसेस हमने कवर कर लिया। तो भाई यहाँ पर ग्रैंड लीग पे बात किया जाए तो यहाँ पर पहला जो मैच है आप देख सकते हैं यहाँ पर कुलवीर नाम है इस लड़का का, तो 3rd रैंक पर आया भाई हमारी टीम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6th रैंक पर है मेगा ग्रैंड लीग रैंक 6, योर प्रेडिक्शन प्लस अवर लक इक्वल टू सून ग्रैंड लीग। तो बहुत जल्दी यहाँ पर सच में रैंक वन लाने वाला था, तो रैंक वन में लेके आया भाई, दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ पर 5th रैंक पर है। और उसके बाद यहाँ पर चलिए आ गया रैंक वन भाई यहाँ पर, ब्रो क्लास नो गया फिर भी कोई बात नहीं है, नहीं नेक्स्ट टाइम 1 ग्रैंड लीग ब्रो योर टीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टीम ने यहाँ पर रैंक वन किया भाई, यहाँ पर फिर से देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो टीम है रैंक 4 पे है और यहाँ पर हमारी टीम देख सकते हैं रैंक 1 पे। तो भाई बस आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप टेलीग्राम पे आ जाए, जो मैं 6 टीम यहाँ पर प्रेडिक्शन देता हूँ ये 6 टीम आप फॉलो कीजिएगा, आपकी जितने भी लॉसेस होगा मैं कवर करूँगा। तो भाई अगर एक टीम खराब गया तो सोच लेना कि दूसरा टीम मैं बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ आऊँगा। और ये जो टीम था भाई मेरे लिए टफ टीम था, क्योंकि मैं आगे ही बता दिया था कि मैं टीम बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ यूजर्स का यहाँ पर सबसे बड़ा मतलब कि बना दीजिए कोई बात नहीं, कुछ लॉसेस हो गया तो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क लिया कुलवीर ने और अच्छा ही रैंक गया भाई, खराब रैंक नहीं गया, 63rd रैंक यहाँ पर आया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते स्मॉल लीग यहाँ पर तो आसान से हम लोग जीत जाते हैं। आपको यहाँ पर क्या क्या प्रेडिक्शन, 6 ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम भी दिया जाएगा, पूरा कुल मिला के 7 टीम देने वाला हूँ भाई। ये 7ों टीम आप अपने टेलीग्राम पर दूंगा, लेकिन आपको 7ों टीम के साथ आप जा सकते हैं। आपको जस्ट आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन करने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको लो एंट्री पैसा पे लगाए ग्रैंड लीग पे आप यहाँ पर आप अच्छे अमाउंट जीत सकते हो।
तो बस आप भाई टेलीग्राम पे आ जाना, आप लेट मत कीजिएगा, आपकी लॉसेस मैं कवर करूँगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, बस आपको आना है भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बंदा के सबसे मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर 10 रुपये एंट्री लगाई भाई, यहाँ पर 6 टीम के साथ ज्वाइन किया मेरे टीम के साथ। उसके बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड रैंक है, तो पहला जो विनिंग प्राइज़ है भाई 1000 रुपये, सेकेंड की जो है भाई 500 है। तो यहाँ पर 60 रुपया लगा के अगर 500 रुपये आ रहे हैं तो ख़राब नहीं है, और यहाँ पर ये दोनों में जरूर भाई यहाँ पर 10-10, 500-20। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या यार, 60 रुपये लगा के 520 आ रहे, तो कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो आप आ जाइए, आपकी लॉसेस मैं कवर करने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर जल्दी से जाके आप ग्रैंड लीग टीम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए आपको मैं बता देता हूँ भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं महेंद्र सिंह को लेके जाऊंगा भाई अपनी टीम में। उसके बाद यहाँ पर आपको बात किया जाए तो मोहित को आप अपनी टीम में जरूर पिक कीजिएगा। तो कैप्टन पे भाई भरत रहने वाले हैं, और वाइस कैप्टन पे भाई सौरभ नंदल को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। तो पहले मैं टीम को सेव कर लेता हूँ, छठा ग्रैंड लीग टीम को, आप भी यहाँ पर वेट कर लीजिएगा। पूरे यहाँ पर आपको 6 ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम भी दिया जाएगा भाई यहाँ पर टेलीग्राम पर। ये सारा अपडेट्स पाने के लिए आप तैयार रहिएगा, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, वेट कर लीजिएगा भाई यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर हमारी 6 ग्रैंड लीग टीम अपडेट हो गया। तो पहले 6ठा ग्रैंड लीग टीम देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मैं सामने लाइव बना के दिखाया था, मनिंदर सिंह और महेंद्र सिंह, और यहाँ पर सौरभ नंदल, मोहित है, नीरज नरवाल है भाई यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन पे, राइडिंग डिपार्टमेंट में मंजित, मीतू महेंद्र, भरत है, भरत मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन भाई भाई सौरभ नंदल आने वाले हैं। तो मेरा 6ठा ग्रैंड लीग टीम है। तो 5वां ग्रैंड लीग टीम आप देख लीजिएगा भाई यहाँ पर। यहाँ पर मैं 4 डिफेंडर के साथ जा रहा हूँ भाई, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो सौरभ नंदल, मोहित, जयदीप, कुलदीप, अमन है, और यहाँ पर बास्तामी, और यहाँ पर के प्रभंजन और भरत है। तो के प्रभंजन यहाँ पर ज़्यादा मौका तो नहीं मिलेगा, अगर ये मौका मिल गया, अगर प्रूव करनी है, तो यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग अल्ट्रा ग्रैंड ग्रैंड लीग स्प्लिनशिप हो जाएगा। जयदीप, कुलदीप और सौरभ नंदर को यहाँ पर मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन पे पिक किया। उसके बाद मेरा 4था ग्रैंड लीग टीम आप देख सकते हो भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर सौरभ नंदल यहाँ पर मेरे कैप्टन ज़्यादा रहेंगे भाई, एम हुड्डा, और यहाँ पर जयदीप कुलदीप है, नीरज नरवाल, भारत यहाँ पर मेरा वाइस कैप्टन है, मीतू महेंद्र और विकास कंडोला। तो ये जो मेरा टीम है 4था ग्रैंड लीग टीम है। और यहाँ पर 3रा ग्रैंड लीग टीम आप देख लीजिएगा भाई यहाँ पर। यहाँ पर मैं 2 डिफेंडर के साथ जा रहा हूँ, मीतू महेंद्र, जयदीप कुलदीप, नीरज नरवाल, बास्तमी है, यहाँ पर कैप्टन पे मंजीत, मीतू महेंद्र, भरत है, भरत मेरा वाइस कैप्टन है, कैप्टन पे जयदीप कुलदीप आने वाले। ये जो मेरा टीम है 3रा ग्रैंड लीग टीम है भाई यहाँ पर। अगर 2रा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 डिफेंडर है, जयदीप कुलदीप, अमन है, नीरज नरवाल और बास्तमी है भाई यहाँ पर। कैप्टन वाइस कैप्टन पे आपको विकास कंडोला, मंजीत और भरत है। तो भरत मैं यहाँ पर, मंजीत मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे भाई विकास कंडोला। ये जो मेरा टीम है 2रा ग्रैंड लीग टीम है। उसके बाद मेरा 1ला ग्रैंड लीग टीम आप जरूर टीम पर देखिएगा भाई यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डिफेंडर महेंद्र सिंह, सौरभ नंदल, जगन्नाथ और मोहित है, नीरज नरवाल यहाँ पर है भाई, नितिन रावल है भाई यहाँ पर, भरत मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे मीतू महेंद्र को लेके जा रहा हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं आपको 6 के 6 ग्रैंड लीग टीम मैंने दिखा दिया। तो आज यहाँ पर एक नहीं भाई बहुत सारे मैचेस खेला जाएंगे। एग्जांपल के लिए उगंदा मेंस कबड्डी लीग के पूरे 3 मैचेस रहेंगे, और इसके साथ साथ भाई उगंदा वुमेंस कबड्डी लीग का 1 मैच रहेगा, और वीवो प्रो कबड्डी का पूरे 2 मैचेस पर। कुल मिला के भाई आपको 6 मैचेस कवर किया जाएंगे। ये 6 मैचेस में 6 ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ एक स्मॉल लीग टीम भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ भाई अगर क्रिकेट पर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान के 1ला सेमीफाइनल मैच, यहां पर इसका भी प्रेडिक्शन दिया जाएगा। इसमें आपको ग्रैंड लीग के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टिप आपको मैं बताऊंगा, वो टेलीग्राम पे ही आपको मिलने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना भाई, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।